तेतुस्को कुरियानागी जापान की एक जानी मानी टेलीविजन पर्सनालिटी है और ये यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। उन्होंने इस किताब को अपनी यादों के आधार पर लिखा, अपनी स्मृति के आधार पर लिखा। लेखिका जब बहुत छोटी थी तो वो बहुत शरारती थी और उनकी शरारतों के कारण उन्हें अपने पहले स्कूल से निकाल दिया गया। और उनकी शरारतें ऐसी थी कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उन्हें थी, जिज्ञासा थी हर बात को जानने की। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो हर वक्त उत्सुक रहते हैं कुछ न कुछ करने के लिए। कभी कभी टीचर्स के द्वारा उन्हें डांट भी दिया जाता है कि हमारी क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारी वजह से, लेकिन उन बच्चों के दिमाग में कुछ और चलता रहता है। तो ये भी ऐसी ही लेखिका जो थी तेतुस्को कुरियानागी, ये भी एक ऐसी ही लड़की थी कि इन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने के बारे में उत्सुकता रहती थी। और प्रकृति को देखना, ये क्लास चलती थी तो खिड़की पर खड़ी होकर बाहर देखती रहती थी, इसीलिए इसका नाम दिया गया लिटिल गर्ल एट विंडो। ये बाद में मैं बताऊंगी आपको। तो उनका नेचर ऐसा ही था, ऐसे ही उनका स्वभाव था कि वे घंटों खिड़की पर खड़ी रहकर प्रकृति को देखती रहती। तो इस वजह से उनके टीचर को बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्लास को चलाने में, पढ़ाने में। तो उन्होंने उनकी मम्मी से शिकायत की और उनके प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। फिर उनकी माँ ने उन्हें एक अलग बहुत ही स्पेशल स्कूल में डाला ना। उसी स्कूल में रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उस स्कूल ने उनकी पूरी विचारधारा को बदल दिया। उनके अंदर जो भी क्षमताएं थी, जो भी प्रतिभाएं थी, उनको उस स्कूल ने बाहर आने में बहुत मदद की। तो इस तरह लेखिका ने उस स्कूल में क्या क्या सीखा और कौन कौन सी गतिविधियाँ, कौन कौन सी एक्टिविटीज वो किया करती थी और उनसे उन्हें क्या सीखने को मिला, इन्हीं सब यादों को, इन्हीं सब अनुभव को उन्होंने इस पुस्तक में शेयर किया है। और उसी पुस्तक का एक भाग, एक अंश है इस जापानी कहानी के रूप में हमारी पुस्तक में दिया गया है, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव, ये जो लेसन आपकी बुक में दिया गया है, यह तेतुस्को कुरियानागी जापानी लेखिका के द्वारा लिखी गई पुस्तक तोत्तो चान, इस पुस्तक तोत्तो चान अ लिटिल गर्ल एट विंडो, ये इस किताब का नाम है। तोत्तो चान खिड़की पर खड़ी लड़की, खिड़की में खड़ी लड़की, इस किताब का एक अंश है, संस्मरण के रूप में लिया गया है, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। और यह चूंकि जापान में लिखी गई, जापानी भाषा में लिखी गई एक किताब है, तो इसका हिंदी में अनुवाद पूर्वा यारुकी कुशवाहा के द्वारा किया गया। तो ये तो इसकी जानकारी हुई कि इस लेसन कहाँ से, यह लेसन हमारी पुस्तक में कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आपने सुना कि यह तोत्तो चान तेतुस्को कुरियानागी नाम के लेखिका ने इसे लिखा है। यह पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है बच्चों, विश्व के साहित्य में, विश्व साहित्य में धरोहर के रूप में बहुत सारी पुस्तकें रखी गई है, उनमें से एक प्रमुख पुस्तक है। हमारे विश्व साहित्य में सभी भाषाओं की जो महान महान लेखकों ने जिन पुस्तकों को लिखा है, उन पुस्तकों को धरोहर के रूप में, हमारी निधि के रूप में, यानी बहुत मूल्यवान वस्तु के रूप में उन्हें संभाल कर रखा गया है। तो उन्हीं में से एक पुस्तक ही है तोत्तो चान। बहुत ही अच्छी लड़की की बहुत सुंदर कहानी है। अगर आप लोगों को फुर्सत मिले तो आप जरूर पढ़िए। अब तो आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, आप लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो इस कहानी को भी आप खोज कर और जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इसमें एक लड़की ने कितनी मुश्किलों से, वह शरारती तो होती है लेकिन उसकी उसके माता पिता को उसको स्कूल में पढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है कि वह इतनी शरारती होती है कि स्कूल में भी निकाल दिया जाता है। फिर दूसरे स्कूल में जब वह जाती है तो उस स्कूल में उसके जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे, उनके द्वारा वह जो कुछ सीखती है तो उस सीखे हुए को वह इतना अपनी प्रतिभा को विकसित करती है उस सीखने से कि वह एक पुस्तक के रूप में उसकी स्मृतियों को सामने, हम सबके सामने लेकर आती है। और ये पुस्तक जो तोत्तो चान नामक जो किताब है, या किताब लिखने के बाद ये किताब बेस्ट सेलर किताब कही गई, सबसे ज़्यादा ये किताब बिकी गई दुनिया में, इसकी सबसे ज़्यादा प्रतियां बिकी गई ऐसा कहा जाता है।
तो यह इसी कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। इस लेखिका के द्वारा इस पुस्तक से ली गई एक अंश है, छोटा सा संस्मरण है ना। उस संस्मरण कहाँ से लिया गया है कि इन्होंने इस पुस्तक में तोतोचान नाम की जो एक लड़की है, वह लड़की जब पहले स्कूल से निकाल दी जाती है और दूसरे स्कूल में जब उसका दाखिला होता है, उस स्कूल का नाम होता है तोमोए। क्या नाम होता है इस स्कूल का? तोमोए। वह तोमोए नाम के स्कूल में उसे दाखिला दिया जाता है, जिस स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। और इन्हीं से उस बच्ची ने, उस लड़की ने बहुत कुछ सीखा। वहाँ इनका जो स्कूल था, एक अद्भुत स्कूल था। रेल के डब्बों में इनकी कक्षाएं लगा करती थी। पेड़ का, पुराने गहरी जड़ों वाले पेड़ का, इस पेड़ जो था वो स्कूल का गेट हुआ करता था। और पेड़ों में जो शाखाएं थी, वो खेलने के लिए कोने बने हुए थे। तो इस तरह से वहाँ पर प्रकृति के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता था। और बहुत सारे विषयों को, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो इन सब्जेक्ट को रियल लाइफ से जोड़कर बच्चों को एक्सपीरियंस दिया जाता था, है ना, हर चीज़ का बच्चों को। तो बच्चों को बहुत मज़ा आता था और बच्चे अपने स्कूल को बहुत बहुत प्यार करते थे। तो क्योंकि वहाँ पर उन्हें अलग ही माहौल दिया जाता था, बहुत ही अलग ढंग से उन्हें पढ़ाया जाता था। और जो ये लेखिका है उसको कुरियाना ली, ये यही मानती है कि उसी स्कूल की वजह से आज मैं इतनी अच्छी किताब लिख पाई हूँ। उन अनुभवों को मैं आज इस किताब के रूप में सबके सामने ला पाई हूँ। तो ये पूरा श्रेय वो अपने स्कूल को देती है और अपने शिक्षक श्री कोबायाशी को देती है। तो उसी स्कूल के उन दिनों, स्कूल के दिनों में ही वह क्या क्या गतिविधियाँ किया करते थे, क्या क्या वो लोग कार्य वहाँ किया करते थे, उन्हीं कार्यों को, उन्हीं यादों को सहेज कर उन्होंने स्मृति के रूप में, संस्मरण के रूप में इस पाठ के अंदर हमें बताया है। तो अपूर्व अनुभव, बच्चों इस अपूर्व अनुभव, इस पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। का क्या मीनिंग होता है? अ से मतलब नहीं, अ उपसर्ग है जिसका अर्थ है नहीं, पूर्व यानी पहले, अनुभव एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस जो पहले नहीं हुआ है। तो लेखिका ने यहाँ पर अपने उसी एक्सपीरियंस को यहाँ इस किताब में बताया है कि जो इस संस्मरण में बताया है, जो पहले उन्हें कभी नहीं हुआ, ऐसा अपूर्व अनुभव उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर शेयर किया इस कहानी के माध्यम से। तो ये तो बात हुई लेखिका की कि उन्होंने किस तरह इस पुस्तक को लिखा, किस तरह के अनुभवों को इस पुस्तक में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, है ना। और कहाँ से पुस्तक में उनकी यादें कहाँ से आई, वो एक स्कूल में पढ़ा करती थी, तोमोए नाम का वह स्कूल था और उस स्कूल के संस्थापक श्री कोबायाशी थे और उन्होंने उसे वहाँ जो उस अद्भुत स्कूल था, उस स्कूल की अजीबोगरीब गतिविधियाँ और बहुत ही खुला वातावरण वहाँ का था, जहाँ से लेखिका को बहुत कुछ सीखने को मिला और उसी के फलस्वरूप वे एक बहुत अच्छी लेखिका बन पाई। उन सारी यादों को, उन सारे अनुभवों को उन्होंने समेट कर उसे किताब में डाल दिया, जिसका नाम है तोतोचान। ठीक है, तो आप लोग उस किताब को अवश्य पढ़िए। ऑनलाइन तो आप पढ़ ही सकते हैं, नेट पर अवेलेबल होती हैं, जो अच्छी बुक्स हैं वो सब नेट पर अवेलेबल होती हैं। तो आप इस किताब को अवश्य पढ़िए। तो इस कहानी में, अच्छा ये तो कहानी की बात हुई कि अपूर्व अनुभव कहाँ से ली गई है, उसकी लेखिका कौन है, कैसे उन्होंने, किस तरह से प्रेरित होकर उन्होंने इस किताब को लिखा, और उस किताब के लिखने के कारण ही हमारी बुक में यह लेसन के रूप में, संस्मरण के रूप में हमें पढ़ने को मिला। ठीक है, तो ये तो इतनी बात हुई बेटा। उसके बाद आता है कि इस कहानी में क्या बताया गया है, कौन से अनुभव की बात उन्होंने की है। तो इस कहानी में लेखिका स्वयं इस कहानी में पात्र के रूप में है और उनका एक मित्र है यासुकी चान और तोतोचान। तोतोचान में लेखिका स्वयं है, उन्होंने स्वयं का अनुभव यहाँ पर हमसे शेयर किया है। तो तोतोचान और यासुकी चान, ये दो गहरे मित्र थे जो तोमोए के स्कूल में पढ़ा करते थे और तोमोए के स्कूल में हर बच्चे को पेड़ पर चढ़ना, उतरना, सब कुछ करना वहाँ पर अलाउड था। वहाँ किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए बच्चों को वहाँ का स्कूल, उनका स्कूल बहुत अच्छा लगता था और वे स्कूल से जाने का उनका मन भी नहीं करता। वो सोचते कि हम स्कूल में ही रहें, इतना अच्छा उनको, इतना मज़ा आता, क्योंकि वहाँ कोई रोक टोक नहीं थी, कोई कुछ कहता ही नहीं था। तो यासुकी चान और तोतोचान, ये दोनों गहरे मित्र थे। यासुकी चान
पोलियो ग्रस्त बच्चा था, उसके पैर में प्रॉब्लम थी, चलने फिरने में उसे बड़ी कठिनाई हुआ करती थी। तो चांद हमेशा वहां के बच्चों का, तोमोए के स्कूल के बच्चों का यथाली हर जो भी पेड़ लगा है, हर पेड़ पर उन्हें चढ़ना है, हर पेड़ पर उन्हें चढ़ना अनिवार्य है, एप्पल से लिया ऐसा वो लोग मानते थे। तो चांद हमेशा यासु की चांद को भी कहना करती थी, पेड़ पर चढ़ो, पेड़ पर। यासु की चांद चूंकि ढंग से चल फिर भी नहीं सकता था, एक सामान्य रूप से चलना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था, तो पेड़ पर चढ़ना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन तोतो चांद ने उसमें जोश भर भर के उसे बहुत उत्साहित कर इतना उत्साहित किया और काफ़ी उसमें उन्हें उसे बोल बोल के पेड़ पर चढ़ना बहुत अच्छा अनुभव है। तो उसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए यासु की चांद को उसके पेड़ पर चढ़ाया और पेड़ पर बैठ कर वे घंटों पेड़ पर बैठे रहते और कई तरह की बातें वो लोग किया। तो यही पेड़ पर जब तोतो चांद ने यासु की चांद को पेड़ पर चढ़ाया तो यह चढ़ने के बाद वह बोलता है यासु की चांद, ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, लोग उसने एक अलग ही अनुभव वहां पर किया और उसी अनुभव को यहाँ पर अपूर्व अनुभव का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यही अनुभव इन दोनों ने जब यासु की चांद को तोतो चांद ने पेड़ पर चढ़ाया और चढ़ने के बाद जब यासु की चांद को बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, बहुत ही अलग अनुभव वो करता है और वो कहता है कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, तो वही अनुभव यहाँ पर अपूर्व अनुभव कहा गया है। तो यह है अपूर्व अनुभव इन दोनों का, ये पेड़ पर चढ़ते और बहुत सारे तरह तरह के विभिन्न विषयों पर वहाँ पर बातें करते, कई सारी बातें तो चांद को यासु की चांद के द्वारा मिलती थी, बहुत सारी खबरें उससे मिलती थी। तो इस तरह का अनुभव यहाँ पर लेखिका ने हमारे साथ शेयर किया है। तो यही कहानी में बताया गया है और यही हम कहानी में पढ़ेंगे। इस कहानी के बारे में मुख्य बातें मैंने आपको बता दी कि यह सब कुछ है, लेखिका कौन है, कहाँ से उन्होंने किस बात से प्रेरित होकर इस किताब को लिखा है, तोतो चांद किताब में क्या है, वह स्कूल में पढ़ती थी तोमोए नाम के स्कूल में जहाँ के संस्थापक थे श्री कोबायाशी और उन्होंने इस स्कूल का संचालन किया और बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी और लेखिका ये मानती है कि उन्हीं की शिक्षा की वजह से, उसी स्कूल में पढ़ने की वजह से आज वे इतनी अच्छी लेखिका बन पाई और उन्होंने अपने ही संस्मरण को, अपने बचपन की कुछ यादों को एक इस कहानी के अंदर उन्होंने हमें बताया है, हमारे साथ शेयर किया है। तो हम पढ़ेंगे अपूर्व अनुभव, वसंत का पाक 10 अपूर्व अनुभव। तो पहले से कहानी को पढ़ के रखिए और केवल किताब की कहानी ही मत पढ़िए, आप तोतो चांद कहानी को पढ़िए, है ना, केवल इस अंश को ही मत पढ़िए, कहानी तो एक दो पेज की कहानी है हमारी बुक में तो, लेकिन पूरी कहानी तोतो चांद जो इस पूरी बुक है बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उस बुक को आप शॉर्ट में समरी के रूप में तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। तो आपको पता चलेगा कि केवल एक ही एक्टिविटी नहीं थी वहाँ पर पेड़ पर चढ़ना, और भी कितनी तरह की वहाँ पर एक्टिविटी उस स्कूल में हुआ करती थी। जापान की जो शिक्षा पद्धति है, एजुकेशन सिस्टम है, वह एजुकेशन सिस्टम भी इस तोतो चांद नाम की बुक से बहुत प्रभावित है और इस बुक को पढ़कर कई सारे एजुकेशन जो वहाँ के थे उन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति में बहुत बदलाव किया, परिवर्तन किया। आज हम मानते हैं कि जापान के लोग बहुत एडवांस हैं और हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं उसके पहले, तो हमारे यहाँ पर हम सोचते भी नहीं, उनके यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं चीज़, इतना एडवांस नहीं हुए, है ना। तो उनकी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो लोग इस तरह से बच्चों में सारी क्षमताओं को, सारी संभावनाओं को वो डाल देते हैं, इतना विकसित कर देते हैं, उनको डेवलप कर देते हैं। तो ये जो पुस्तक तोतो चांद है, यह पुस्तक, इस पुस्तक को पढ़कर भी जापान में एजुकेशन सिस्टम में जो शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत बदलाव हुए हैं और उन बदलावों के कारण भी जापान बहुत तरक्की कर पाया है, क्योंकि शिक्षण पद्धति यदि अच्छी होगी जिस देश की, उस देश का विकास तो उस देश का होगा ही होगा और हम सभी जानते हैं कि जापान कितना विकसित देश है। तो इस तरह से बच्चों एक जापानी कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो हम आज इसका माइंड मैप हमने देखा, मुख्य बात इसके बारे में जानी, कल मैं इसका PPT आपको दूंगी।